हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब। आज हम बनाएंगे वल्लर की सब्जी या पापड़ी की सब्जी, और इसे वल्लर पापड़ी भी कहा जाता है। ये देखिए, हमने कढ़ाई में 2 पल्ली तेल ले लिया है, वो हमने पहले से ही गरम कर लिया था। इसके इंग्रेडिएंट्स में साथ साथ में ही बताती जाऊंगी आपको। ये देखिए, हमने इसके अंदर तेल गरम हुआ है, इसमें थोड़ा सा राई और ज़ीरा डाल दिया है, वो थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब उसके अंदर हमने ताज़ी मेथी की 4-5-6 पत्तियाँ ले ली हैं, वह हरी प्याज कटी हुई, सादी प्याज कटी हुई हमने डाली है उसके अंदर, वो लाल होने दी है। उसके अंदर हमने अजवाइन डाला है थोड़ा सा हाथ में मसल कर, और 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। अब ये हम इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे, अब मसाला अच्छे से हमारा भुन गया है। अब इसके अंदर हम सूखे मसाले डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, देखिए 2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून हल्दी। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, भी हम इसके अंदर साथ में भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए पूरे मसाले को। अब इसके अंदर हम डालेंगे बैंगन, ये आलू और बैंगन हमने दोनों काट कर बारीक बारीक मिक्स कर लिए। हमने 2 बैंगन और 2 छोटे आलू लिए हैं, उसे काट कर मिक्स कर लिया है अच्छे से धोकर। और फिर अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये देखिए इस तरह से पूरे मसाले में आलू और बैंगन को मिक्स कर देना है, इससे वल्लर पापड़ी का स्वाद टेस्ट और बढ़ जाता है। ये देखिए अच्छे से हम पहले इसे भून लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा, मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढक्कन ढककर रख देंगे ताकि हमारे आलू और बैंगन गल जाएं। ये देखिए लगभग हमारा थोड़ा पानी सूख गया है, हमें 1/2 ग्लास पानी डालना है उसके अंदर। और हमने ये एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छे से भूनेंगे हम। ये देखिए वल्लर पापड़ी हमने काट कर पहले से ही उबाल कर रखी थी, वल्लर पापड़ी डूब जाए बस इतना पानी डालकर थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाल के उसमें 1 उबाल दिलवा लें, और फिर उबाल कर छन्नी में छान लें। फिर अब हम इसे इसके अंदर डाल रहे हैं, देखिए सब्जी में। इसे छीलते टाइम इसका ये ध्यान रखना है कि इसकी दोनों तरफ से जो वो नसें निकलती हैं उसे अच्छे से निकालें ताकि ये अच्छी लगे, नहीं तो वो नसें मुँह में आती हैं तो ऐसा लगता है बाल मुँह में आ रहे हैं, तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से पूरा छीला है और अब बॉईल करके अच्छे से मिक्स किया है। अब इसे खुला ही पकने दें, इसे ढाके नहीं। देखिए आप थोड़ी थोड़ी देर में इसको चलाते रहिएगा। इसके अंदर अब पानी भी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि हम उसको बॉईल कर चुके थे और आलू बैंगन हम पहले से ही गला चुके हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, 4 दाने जितनी, ज़्यादा शक्कर नहीं डालना है हमें, थोड़ी सी बिल्कुल पिंच, 1 पिंच डालें। ये देखिए हमारी वल्लर पापड़ी की सब्ज़ी तैयार है। इसे आप चाहें तो पराठे, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।